खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां भोपाल से आए एनडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के तहत एक्सीलेंस स्कूल में विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना के समय कैसे पीड़ितों की जान बचाई जाए, इसके लिए भी मॉक ड्रिल भी बताई गई। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम में सहायक कमांडेंट सैयद बादशाह, इंस्पेक्टर श्रीनिवास मीना ने भूकंप से बचाव, सड़क सुरक्षा समेत अन्य विषयों को लेकर बच्चों को प्रशिक्षित किया, जिसके कि विद्यार्थी खुद प्रशिक्षित होकर अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अन्य लोगों को जागरूक कर सके। प्रशिक्षण के दौरान ही विद्यार्थियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि भविष्य में उनके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। एनडीआरएफ की टीम द्वारा हम सभी को प्रशिक्षित किया गया था कि हम सबको मुसीबत आपदा के समय कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और खतरे आपदा से कैसे बच सकते हैं। उन्होंने हमें कई तरीके बताए थे जिनसे हम अपनों और अपनों की जान बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं जीवन। उन्होंने हमें बताया था कि जैसे हम पानी में डूब रहे हैं तो हम किस प्रकार घरेलू सामानों से बोतल का बना के अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि उन्हें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। बेसिकली जो भी प्रशिक्षण था या जो भी डेमोन्स्ट्रेशन था वो फिजिकल था, प्रैक्टिकल बेसिस पे था, और जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सब इतनी फंक्शनल थी या इतनी कहना चाहिए प्रैक्टिकल थी हमारे साथ कि हम उसे आगे डिस्प्ले कर सकें, और हमारे लिए वो एक बहुत ही कारगर चीज़ है। किसी भी डिज़ास्टर या कोई भी ऐसी आपदा के समय हम आराम से उस चीज़ को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मेरे ही नहीं जितने भी हमारे साथ में वहाँ पर थे स्टूडेंट्स, सबके लिए एप्लीकेबल थी और सभी लोग उससे खुश थे। और सबसे बड़ी बात जो भी थे डेमोन्स्ट्रेशन वो ईजी टू अप्लाई थे, और सबसे बड़ी बात प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम अभी उस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो वही बात है, हम आगे के लिए सतर्क रहेंगे। एनडीआरएफ की टीम जो भोपाल से हमारे ज़िले में आई हुई है, ये टीम के काफ़ी सदस्य हैं और उनका रोल यही है कि विद्यालय में बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग में उनका विशेष रूप से प्रेजेंटेशन रहता है, बच्चों से खुद वो करवाते भी हैं, बतलाते हैं कि हमें यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए रास्ते चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम पेशेंट को तात्कालिक रूप से क्या सहायता कर सकते हैं वो उसमें बतलाया गया है। और मान लीजिए कोई गांव में है और प्राकृतिक आपदा में आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है कई बार, तो बाढ़ में भी हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, या हमारे जो दूसरे साथी हैं, हमारे जो परिजन हैं, हमारे गांव के लोग हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचा पाएँ। तो ये प्राथमिक, एक तरह से प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सापन कह सकते हैं कि पेशेंट को हम उचित स्थान पर डॉक्टर तक सरलता से, सहजता से उसको बिना क्षति पहुंचाए उसको पहुंचा पाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें बतलाई गई हैं। यदि आँख की कोई दुर्घटना हो जाती है, सिर में कोई चोट लग जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, हम कैसे तात्कालिक रूप से उसके रक्त स्राव को हम उसको कम कर दें, या हड्डी मान लीजिए क्रैक हो गई है तो जो हाथ या पैर है वो डिसलोकेट ना हो, उसके लिए किस तरह से हम उसकी पट्टी का उपयोग करें। स्ट्रेचर बनाने की विधि बतलाई है कि स्ट्रेचर अब सब जगह उपलब्ध नहीं होता, मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको स्ट्रेचर की ज़रूरत है तो हम स्थानीय परिस्थितियों से किस तरह से तात्कालिक रूप से चद्दर से, शर्ट से और बोरियों के द्वारा स्ट्रेचर को तैयार करके पेशेंट को अस्पताल तक हम पहुँचा पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जिला प्रशासन का, और हमारे स्कूल के बच्चे जब यहाँ सीखते हैं तो वो अपने गांव में भी, घर में भी और जहाँ रहते हैं वहाँ भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के सभी बच्चे इस चीज़ को सीखें।